Good morning, all of you. Welcome our school's online classes and welcome to new session. Yes, class third. We now start subject EBS, chapter first, parts of our body. LKG, HKG first से लेकर सेकेंड तक आप लोगों ने बॉडी पार्ट्स का स्टडी किया है ना? यस। ये बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं? यस, टेल मी। हेड, नोज, नेक, आईज, ears, hand, legs, feet, and so many body parts we have. Yes, our body is just like a machine. अब आप बोलोगे मशीन कैसे? अपनी बॉडी एक ऐसी मशीन है जो दिन रात काम करती रहती है। मैन मेड थिंग्स जो रहती है, मैन के द्वारा बनाई हुई जो मशीन रहती है, वो मशीन जो होती है उसको हम स्विच ऑन करेंगे तो वो चलेगी, स्विच ऑफ करोगे तो वो रुक जाएगी। लेकिन अपने बॉडी ये एक ऐसी मशीन है जो नॉन स्टॉप चलती है। अब आप कहोगे नॉन स्टॉप कैसे चलती है? आप सोते हो, आपकी सांसें रुकती है क्या? नहीं, सांसें चलती है। वी कैन ब्रीथ, यस, वी बीटिंग, अपना हार्ट क्या होता है, धड़कता रहता है। हम सोते हैं तो सोने, जो सोना होता है ये भी एक क्रिया है। यानी हम उसे कह नहीं सकते कि अपनी बॉडी रेस्ट कर रही है। बॉडी के अंदर जो पार्ट्स है वो कंटिन्यू काम करते रहते हैं। अब ये जो बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू काम करेंगे तो एक मशीन ही कहलाई जाएगी। इसीलिए अपने बॉडी को एक अमेजिंग मशीन कहा गया है जो एनी टाइम 24 आवर्स काम करती है, कभी भी नॉन स्टॉप, कभी भी कोई रेस्ट नहीं है, नॉन स्टॉप उसका वर्क चलता रहता है। अब आप कहोगे कि मैडम हम तो थोड़ी बहुत रेस्ट करते हैं, लेकिन रेस्ट नहीं होती, वो भी एक क्रिया है। जैसे मैंने अभी पहले आपको बोला स्लीपिंग एक क्रिया है, उसमें भी आप आंखें सोती रहती हैं लेकिन आपके अंदर आपका हार्ट, ब्रेन ये सारे काम करते रहते हैं। अभी जो बॉडी पार्ट्स हैं, कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जो हमें ऊपर से दिखाई देते हैं और कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जो अपने बॉडी के अंदर रहते हैं। और जो बॉडी पार्ट्स हमें ऊपर से दिखाई देते हैं, जो बॉडी पार्ट्स हमें दिखाई देते हैं वो बॉडी पार्ट्स को हम कहते हैं एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। ओके, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स यानी जो बाहर से दिखाई देने वाले बॉडी पार्ट्स होते हैं उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। अब देखो इसे के एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स की डेफिनेशन हम देखेंगे। द पार्ट ऑफ द बॉडी विच वी कैन सी फ्रॉम आउटसाइड, जो बॉडी पार्ट्स हम बाहर से देख सकते हैं उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। अब देखो बॉडी पार्ट्स में सबसे पहले हम देखेंगे हेड। यस, आपको एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स की डेफिनेशन समझ में आ गई? पार्ट्स ऑफ बॉडी विच वी कैन सी फ्रॉम आउटसाइड दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। डेफिनेशन में मैं आपको बाद में लिखवाऊंगी, अभी सिर्फ आप समझने की कोशिश करो। अब हम देखेंगे सबसे पहले अपने जो बॉडी पार्ट्स ऊपर से स्टार्ट करते हैं, अपना है हेड। अब देखो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको एक हेड बना के या मुंह बना के दिखा रही हूँ जिसमें आपके कितने बॉडी पार्ट्स आते हैं ये आप देख सकते हो।
ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई कर रही हूँ। आप ड्राइंग पे मत जाना, मैम ने ड्राइंग कैसी बनाई है, ठीक है। अब देखो हेड, दिस इज आवर हेड, इसे हम क्या कहते हैं, हेड। अपने ये जो बॉडी का ऊपर वाला पार्ट होता है, शोल्डर से ऊपर वाला पार्ट, उसे हम हेड कहते हैं। और इसमें देखो कितने पार्ट्स आते हैं, दिस इज ईयर्स, आईज, नोज, हेयर, किया आपने, क्या किया आपने, गर्दन मुंह की,
लेफ्ट साइड, देन क्रॉस द रूम। यस, अगर अपनी नेक नहीं होती तो हम लेफ्ट और राइट देख सकते थे? नो, सबसे मेन पार्ट यानी नेक अपना यही काम करता है कि हम लोगों को अपने हेड को इधर उधर करके हम दे सकते हैं। वी कैन मूव अवर हेड लेफ्ट राइट अप डाउन, यानी ये जो नेक है दिखती इतनी से, ये बॉडी पार्ट इतना से दिखता है लेकिन इसका काम बहुत है। अगर हम लोगों के नेक नहीं होती हम सीधे ऐसे ही चलते हैं। यस, ऐसे ही चलते हैं ना, तो हम ना तो राइट साइड में देख सकते ना लेफ्ट साइड में देख सकते। गाड़ियाँ आती तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता, यानी एक एक बॉडी पार्ट्स का अपना एक अलग महत्व है। देन शोल्डर, शोल्डर एक ऐसा बॉडी पार्ट है जिसको हम क्या करते हैं, बोझा उठाने के लिए काम में लेते हैं। अगर शोल्डर नहीं होते तो आप अपना बैग उठा के लेके आ सकते थे स्कूल? नो। आप देखो कई लोग अपना बोझा उठाते हैं ना, कुली लोग देख लो। देन हम खुद भी कहीं ट्रैवलिंग करते हैं तब अपने क्या करते हैं, बैग्स को अपने शोल्डर पर डालते हैं। शोल्डर पर डालने के बाद हम क्या कर सकते हैं, आराम से चल सकते हैं। और ये शोल्डर एक मजबूती से हमारे साथ खड़ा रहता है जो हम सामान अपना उठा सकते हैं। शोल्डर से क्या, वी कैन कैरी एंड पुश थिंग्स। अगर ये शोल्डर नहीं होते तो हम पुश कर सकते? नो, ये पुश हम अपनी शोल्डर की वजह से कर सकते, यानी एक कैरी करना और पुश करना एक इम्पोर्टेंट वर्क शोल्डर का है। नेक का इम्पोर्टेंट वर्क, वी कैन सी लेफ्ट साइड राइट साइड, यानी हम अपना हेड मूव कर सकते हैं। यस, लेफ्ट साइड राइट साइड अप एंड डाउन, यानी नेक की वजह से हम लोगों का क्या होता है, चारों ओर हम देख सकते हैं। नेक एंड शोल्डर, जिस तरह से हेड अपना वर्क करता है वैसे ही नेक और शोल्डर ये अपना कार्य करते हैं, यानी बॉडी के हर एक पार्ट्स क्या होता है, अपना एक अलग इम्पोर्टेंस रहता है। और ये अलग इम्पोर्टेंस की वजह से ही सारे जो बॉडी पार्ट्स एक साथ आकर अपना अपना अलग अलग काम करते हैं, उसी वजह से ही आज हम लोग क्या है, जिंदा है। कोई पार्ट्स काम नहीं कर रहे तो हम क्या करते हैं, कभी हॉस्पिटल जाते डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस पार्ट्स को क्या करते हैं वापस। इसीलिए हर एक बॉडी पार्ट्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। यस, नाउ टाइम ऑफ SW। अब आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी, वो आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में राइट डाउन करना है और उसके आंसर्स कल के लिए लिखने रखोगे। और फिर जब भी जैसे भी वक्त मिलेगा मैं आप लोगों की नोटबुक्स आपसे चेक करती रहूँगी। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, डेफिनेशन ऑफ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। ओके, नेक्स्ट आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर टू, फिलिंग द ब्लैंक्स। ए, our body is a machine. Second, number B, our face is yes, आपको our body is a machine, कौन सी मशीन है ये आपको बताया हुआ है,
आवर फेस इज अप बिलो, अपर है, बिलो है, साइड में है, किस हेयर के कहाँ पर है, जैसे मैंने आप लोगों को डायग्राम बताया था उसके अकॉर्डिंग इस पर आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, टिक द करेक्ट ऑप्शन। दो ऑप्शन दिए जाएंगे आप लोगों को, उसमें से आपको एक को टिक करना है। नंबर 1, नेक, जॉइंट्स, विथ, चेस्ट और शोल्डर। अब इसमें से जो आंसर सही होगा इसको टिक करना है। यस, राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट दिस वर्क। ओके, ये आपका क्या है? HW।